नमस्कार, मानपूर्णा फूड एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आम की लौंजी, वो भी देखो कितने अच्छे तरीके से बनाएंगे, सिंपल तरीके से, एकदम सादा तरीके से। हमने आम ले लिए, इनको छिलने की सहायता से छील लेंगे और फिर चाकू से काट लेंगे, लंबे लंबे काटेंगे इनको। बड़े आम आ रहे हैं इस समय मार्केट में, लंबे लंबे पीस करके काट लेंगे इनको। आज हम जो लौंजी बनाएंगे उसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे, बिना पानी डाले ही लौंजी बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनती है हमारी लौंजी। ये हमारे आम कट गए हैं, गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस को ऑन कर देंगे। गैस में 1 से 1.5 चम्मच हम घी डालेंगे। लौंजी में से घी में ही छौंकनी चाहिए। घी हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम 1 चम्मच सौंफ डालेंगे, इसमें 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और हमने काली मिर्च, लौंग, बड़े इलायची, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, ये मैंने ले रखा था, वो भी सब इसमें डाल देंगे। थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे इसमें, कलौंजी बहुत अच्छी लगती है इसमें, थोड़ी सी, जरा सी, एक भी वो जो आम मैंने काट के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और इनको चला देंगे। सारी मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आम को हम ऊपर नीचे पलट पलट के, और ना ही हम आम को उबालेंगे ना ही इसमें पानी डालेंगे। देखते हैं कैसे बनती हमारी लौंजी बहुत अच्छे तरीके से। हमने ये हमारा 250-300 का आम था तो इसमें हम 250 ग्राम शक्कर डालेंगे। शक्कर हमने डाल दिए और आम हमारा जो गर्म हो रहा है शक्कर को मिलाएंगे तो आम की गर्मी से हमारी शक्कर मेल्ट होगी। पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बिल्कुल एक बूंद पानी का भी यूज नहीं किया, ना ही हमने आम धोया है ना पानी डाला है, कुछ नहीं करेंगे। थोड़ी सी शक्कर और डालेंगे इसमें, 250 ग्राम शक्कर डल गई है हमारी इसमें, पूरी अच्छे से मिला देंगे। आम भी हमारा गर्म हो गया है कढ़ाई में, इसको ढक्कन से ढक देंगे और गैस को ऑफ कर देंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ दिया इसको हमने, गैस को फिर ऑन किया हमारा। देखो आम ने, शक्कर ने, सारे ने रस छोड़ दिया, देखो बिल्कुल भी पानी नहीं डाला था, सारा रस ये आम से निकल कर आया है और जो शक्कर डाली थी वो पूरी मेल्ट हो गई है। ये वाली आम की लौंजी आपकी बिल्कुल भी खराब नहीं होती क्योंकि इसमें हमने पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है, बहुत अच्छे से आसानी से बन जाती है, ना आपका आम कड़ा होता है ना आपकी लौंजी खराब होगी, बहुत ही बढ़िया बनती है। 1/2 चम्मच सफेद नमक डाला है इसमें और 1/2 चम्मच काला नमक डाला है। अब इसको हम बस मीडियम आंच में इसको बनाएंगे लौंजी को, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। देखिए बिना पानी के कितना सारा रस तैयार हो गया है हमारा। आप इस तरह से बनाएं कि आपकी लौंजी कभी खराब नहीं होगी, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, खराब होने का कोई नाम नहीं। आपको फ्रिज में भी रखने की आवश्यकता नहीं होती इस लौंजी को, ऐसी बाहर रहे आपकी फ्रिज में रख दो तो और ज्यादा चलती है, खराब नहीं होती है बिल्कुल भी। बस 5 से 10 मिनट लगते हैं लौंजी बनने में। आम सॉफ्ट हो गया है हमारा, गैस ऑफ कर दी हमने, हमारी लौंजी तैयार है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बनाइए, एंजॉय करिए, बच्चों को खिलाइए, पूड़ी के पराठा के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी। आम का सीजन चल रहा है तो जरूर बनाना चाहिए। ये सामने गोल बटन दिख रहा है, इसको प्रेस करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, थैंक यू, जय माता दी।